Welcome to the last episode of Think About It. सोचो जरा का इंस्पिरेशनल सीरीज का आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। यह सफर सुंदर रहा, खूबसूरत रहा, जिंदगी को बारीकी से समझने का प्रयास भी हम इन सारे एपिसोड्स में किए। जितू कृष्णमूर्ति कहता है, राइट थिंकिंग कम्स विथ सेल्फ नॉलेज, विदाउट नोइंग योरसेल्फ यू हैव नो बेसिस फॉर थॉट। कितना कमाल की बात है। इस आखिरी एपिसोड में एक न्यू रिक्रूट ने अपने नए ऑफिस में अपने नया मेंटर के साथ मीटिंग करता है और वो पहला मीटिंग में ही आस्क्ड हिज मेंटर अ वेरी सीरियस कंसर्न विच ही हैड इन हिज माइंड, हाउ टू फिट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। सब कुछ नया है, डिपार्टमेंट नया, काम नया, लोग नया। The mentor अलग अलग प्रकार के ग्लासेस को अपने टेबल पे रखा, छोटा बड़ा, स्लीक नैरो, एंड ही पिक्ड अप द टम्बलर फिल्ड विद वाटर एंड स्टार्टेड पोरिंग जेंटली वाटर इनटू ईच डिफरेंट शेप ग्लासेस। और मिंटी से पूछा, बताइए आपने क्या देखा। मिंटी ने बोला कि मैं देखा कि आप अलग अलग शेप्ड ग्लासेस में पानी डाल रहे। बोले बस इतना ही। There is something more valuable which you could have observed। मैंने पानी इन अलग अलग ग्लासेस में डाला, but the water was not in conflict with any of these glasses। It happily took the shape of the glass which it was poured into। So if you want to fit into this organization or any organization, you have to be water। You have to have the quality of water, because the water is not in conflict with the shape। The water is more committed to its essence, to its quality। इस ऑर्गेनाइजेशन में आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, किस माहौल में आप काम कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप किसी के साथ काम करें, आप अपने सोल का क्वालिटी को ना खोए, आप अपने टैलेंट का क्वालिटी को ना खोए, आप अपने स्किल्स को ना भूले। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वॉट मीन्स टू बी लाइक वॉटर। थिंक अबाउट इट। इस आखिरी एपिसोड में आपसे अलविदा लेने का समय आ चुका है। यह सफर आपके साथ सुंदर रहा, आपके साथ साथ मैं भी जिंदगी के बारीकियों को समझने में कामयाब हुआ। उम्मीद है जब हम एक अगला इंस्पिरेशनल सीरीज लेकर आपके पास आएंगे, तब हम और इवॉल्व्ड एंड और ब्यूटीफुल हो चुके होंगे। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़।